Welcome to Spice Up with Madhvi. Egg thought. Welcome to another episode of Spice Up with Madhvi. Friends, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और उनकी ढेर सारी फरमाइशें भी आपको आती होंगी कि कभी केक बनाओ, कभी पेस्ट्री बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ. तो चलिए आज मैं आपके साथ में बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करती हूँ. गर्मियों के मौसम में आप तरबूज तो घर में लाते ही होंगे और खाते भी होंगे और उनके छिलकों को फेंक देते होंगे, या कुछ लोग हैं उसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं कि आप उसे दबा दें कहीं मिट्टी में और फिर जब उसकी जब खाद बन जाती है तो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है. लेकिन ये छिलकों से आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी, ताकि बच्चों के आइसक्रीम में डालिए, केक में डालिए, इवन कस्टर्ड में भी डालिए, जिसमें भी आपका दिल करे, बिस्किट्स वगैरह में आप कहीं पर किसी भी चीज़ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इससे पहले कि मैं आपको आज की रेसिपी बताऊं, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई रेसिपी मैं अपलोड करूँ आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए. तो देखिए, यहाँ पर मैंने ढेर सारा तरबूज खाए थे और उसके जो छिलके हैं ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इकट्ठे कर लिए हैं, और इसका जो बिल्कुल जो रेड वाला पोर्शन था वो बिल्कुल काट दिया है, साफ कर दिया, सिर्फ आप देख सकते हैं हरे छिलके हैं. तो करना हमें क्या है कि हम इन्हें जो छिलका है इसे उतार लेंगे और फिर आगे बताती हूँ कि क्या करेंगे हम. तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो पीछे के जो ग्रीन वाला छिलका था मोटा, उसे मैंने निकाल दिया है. और अब हमें करना क्या है कि इन्हें हम पहले थोड़े से लंबे काट लेंगे जो पीसेस हैं, और फिर इनके हम छोटे छोटे जो स्क्वायर पीसेस होते हैं वो बना लेंगे. तो ये इस तरह से देखिए, ये मैंने इसे बीच में से काट दिया है, इन्हें लग करके. और ये देखिए, हम इस तरह से इनके स्केल पीसेस जो हैं वो करते जाएंगे. और देखिए, ये जो पीसेस हैं आपको लग रहा होगा कि ये बड़े हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी बॉयल होंगे फिर सूखेंगे तो फिर ये छोटे साइज के हो जाते हैं. लेकिन ये फिर भी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन्हें कितना छोटा रखना चाहते हैं. अगर आपको ये बड़े लगते हैं आप इनसे थोड़ा छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, और अगर आपको और बड़े चाहिए तो आप इनके बड़े पीसेस भी कर सकते हैं. तो इस तरह से हम सभी के इस तरह से स्क्वायर पीसेस कर लेंगे. इसके कर लिए हैं बिल्कुल साफ, और अब हमें इन्हें बॉईल करना है. तो चलें गैस के स्टोव की तरफ चलते हैं और हम इन्हें पहले बॉईल कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए गैस स्टोव पर रख दिया है, तो इसे हम पहले पानी को बॉईल होने देंगे. तो देखिए, पानी बॉईल हो चुका है और अब हम इसमें जो हमने तरबूज के छिलके की छोटे छोटे जो स्क्वायर पीसेस किए थे वो सब हम इसमें डाल देंगे. ठीक है, इस तरह से
हमने सब डाल दिया, इसे कवर करके लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो देखिए यहाँ ये अच्छे से बॉयल हो चुका है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा सेटल होने देंगे। जब ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, ये देखिए ठंडा हो गया है ये, तो अब हम इसे पानी जो है इसको निकाल देंगे, सबको छान लेते हैं हम। तो एक कोई भी आप ले लीजिए स्ट्रेनर और उसमें ये जितने भी छिलके हैं, देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं, इन्हें हम छान लेंगे। सारा पानी जो है ये हमें इसका निकाल देना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब हमने छान लिया है, इसका पानी देखिए ड्राई हो गए हैं थोड़े से, ये थोड़े ट्रांसपेरेंट भी होने लगे हैं, तो अच्छे से बॉयल हो गए। अब हम इन्हें चाशनी में उबालेंगे, चाशनी में डबोएंगे और उसमें बॉयल करना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन में 3 कप के करीब पानी रखा था और उसमें मैंने 1.5 कटोरी शुगर इसमें मैंने डाल दिया और इसे अब हम अच्छे से उबाल लेंगे। तो इसे गैस ऑन करके और अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसे उबलने देते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी जो चाशनी है इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और इसमें देखिए झाग भी उठने लगे हैं। ऐसे में हम जो ये पीसेस थे जिसे हमने बॉईल करके रखा था, इन सबको हम अब इस चाशनी में पकाएंगे। तो ये सभी हम इसमें चाशनी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी चाशनी में ये तरबूज के छिलके थे, इन्हें पकते हुए काफी टाइम हो चुका है, लगभग 7-8 मिनट तक हम इसे पका चुके हैं और हमारी चाशनी जो है ये गाढ़ी होने लगी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक तार या दो तार की चाशनी करनी है, सिर्फ थोड़ी चिपचिपाहट सी होनी चाहिए कि इससे महसूस हो जब हम अपनी उंगली में लगा करके इसे देखें, तो अब इसे थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ ये अब चिपचिपी होने लगी है, एक तार जैसे उठने लगा है इसमें। तो बस अब ऐसे में हम इसे गैस स्टोव को बंद कर देंगे क्योंकि जितना हमें चाहिए था ये चाशनी उतनी गाढ़ी हो चुकी है। तो चलें अब ये गैस को हम कर देते हैं यहाँ पर बंद और अब इसमें हम थोड़ा सा खुशबू के लिए एसेंस डाल देते हैं, वनीला एसेंस की कुछ 2-3 बूंदें हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो देखिए वनीला एसेंस मैंने इसमें डाल दिया है और बस इसे अब हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और हल्का सा बस ठंडा होने तक अब हम इसमें कलर करेंगे। तो चलिए आप कलर की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये 3 बोल ले लिए हैं, एक ही साइज के हैं और क्योंकि हमें ये कलर करना है अपनी इन तरबूज के मीठे जो ये हमने छिलकों के पीसेस तैयार किए थे, तो हम इनमें अब अलग अलग कलर डाल देंगे। मैं 3 कलर बना रही हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप कितने भी कलर बनाना चाहते हैं और कौन सी पसंद की आपकी कलर्स हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर डाला है और थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर डाला है और ये रेड कलर मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे चाशनी में डूबे हुए ये पीसेस हैं तरबूज के छिलकों के, तो इन्हें अब हम इन 3 बॉल्स में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे चाशनी के साथ में।
तो अब हम इस तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। देखिए तीनों कितने डार्क बढ़िया कलर हो गए हैं। तो बारी बारी से हम इस तरह से मिक्स करके और इन्हें अब हम लगभग 24 घंटे तक ढक करके ऐसे ही रहने देंगे ताकि जो ये कलर है इनमें अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अब ये इसको ग्रीन को भी हम यहाँ पर ऐसे मिक्स कर देते हैं। देखिए ये अच्छे से इसमें इस तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इन्हें 24 घंटों के लिए इसी तरह से इन्हें कवर करके रख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन पर कितना खूबसूरत कलर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स 24 घंटे के बाद इन तीनों का बहुत ही बढ़िया रंग आ चुका है। देखिए सारा कलर जो है इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये देखिए सब ऑब्जर्व कर लिया है कलर, रेड कलर कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट ये हो गए हैं और भी सुंदर लगने लगे हैं। तो अब हमें ड्राई करना है, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। तो इन्हें हम लगभग 32 घंटों तक इन्हें ड्राई करेंगे क्योंकि ये चाशनी में डूबे हैं तो ये चाशनी सूखने के में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं बताती हूँ इसको कि हम इसको किस तरह से सुखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते कि हमारे घरों में हम कवर करने के लिए कुछ जालियाँ होती हैं, डिश को रखने के लिए रखते हैं। तो एक मैंने वो लिया है, एक मैं और आपको दिखाऊंगी कि स्ट्रेनर है उस पर भी करेंगे। तो नीचे मैंने ये प्लेट रख दी है और इसके ऊपर ये जो जाली थी हमारी ये मैंने रख दी है ताकि जो चाशनी थोड़ी थोड़ी सी टपकेगी तो वो नीचे प्लेट में जाकर के गिर जाए। और इसमें जाली है क्योंकि तो इसमें से हवा भी पास होती रहेगी तो ये जल्दी सूख भी जाएगा। और इसे हमें फैन के नीचे रखना है फ्रेंड्स, धूप में नहीं सुखाना है, इसे हवा में हमें फैन के नीचे रख देते हैं। तो ये इस तरह से देखिए मैंने जाली पर इसे सब फैला दूंगी। तो देखिए पर्पल वाले सारे इस तरह से जाली पर फैल चुके हैं, इसे अब हम अलग रख देते हैं पंखे की हवा के नीचे ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने एक ये जाली ली है क्योंकि ये बड़ी सी जाली से मैंने टिन फॉइल लगा करके इसे बीच में से डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमारे पास अभी दो कलर्स हैं ग्रीन और रेड। तो इस तरह से हम ये इन्हें एक एक पोर्शन में डाल देंगे ताकि टिन फॉइल मैंने इसलिए लगा दिया है कि जो कलर्स हैं ये आपस में मिक्स ना हो क्योंकि ये लुढ़क कर इधर से उधर चले जाएंगे तो ये कलर जो है मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे बीच में डिवाइड किया है। तो ये इस साइड में मैंने ग्रीन डाल दिए हैं। और अब हम इस नेक के दूसरी साइड में ये जो रेड कलर के हैं इसे हम डाल देते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए सारा रेड जो है ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों रेड और ग्रीन मैंने अलग अलग ये सब डाल दिए हैं और इसके नीचे मैंने ट्रे भी रख दी है ताकि ये जो चाशनी है नीचे झनके ट्रे में गिरे। और इसे अब हम 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स ये देखा आपने पूरा का पूरा प्रोसेस, हमारे जो छिलके थे उनका हमने इस तरह से बॉईल करके और फिर उनको चाशनी में डुबो के फिर सुखा करके इतनी मेहनत के बाद में ये हमारा रिजल्ट कितने बढ़िया लग रहे हैं। और देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सूख चुके हैं और बड़े मजेदार लग रहे हैं। बाजार में जाते हैं आपको मालूम नहीं कैसे मिलते हैं, कैसे पैक होते होंगे, कैसे बनते होंगे, लेकिन यहाँ आप घर में बना करके दिखाइए, बच्चे तो सूखते सूखते भी खा जाएंगे इसे। तो बहुत बढ़िया कलर्स अपनी मर्जी के कोई भी इस्तेमाल करिए। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि आप कुछ और भी रेसिपीज मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो रेसिपी ला सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।